इधर नीट परीक्षा की धांधली को लेकर छात्रों का रोष कम होने का नाम नहीं ले रहा। परीक्षा में हुई धांधली को लेकर छात्रों और उनके परिजनों में जबरदस्त गुस्सा है। हम चाहते कि एनडीए फिर से रीनेट करवाए, नहीं तो री रिजल्ट कराए, क्योंकि 1500 बच्चों का एग्जाम करवा के रैंक में क्या इंटर फर्क आ जाएगा। ये तो सिर्फ वो उन लोगों का क्या पता फिर से स्कैम हो जाए, हमें कुछ भी नहीं पता, टोटली कंफ्यूज है हम लोग, क्या करें आगे। बच्चों की मेहनत पूरी पानी में जा रही, आज बाईपीसी के स्टूडेंट्स के साथ हुआ, कल एमपीसी के स्टूडेंट्स के साथ होता, परसों यूपीएससी में भी पेपर लीक होता। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका कोई मायना ही नहीं है क्या? मतलब एनटीए को बंद करना चाहिए, डेफिनेटली रिकंडक्ट करके एनटीए को रिजेक्ट करना। अगर एनटीए को फिर से रिजेक्ट नहीं करे या नीट को फिर से रिकंडक्ट नहीं करे, हम लोग स्टूडेंट सब मिलके डेफिनेटली प्रोटेस्ट को निकलेंगे। गलत बात है ना, क्योंकि आप चीटिंग वाले बच्चों को कैसे हटाएंगे? ग्रेस मार्क से तो सिर्फ 1563 बच्चों का ही सिस्टम था, लेकिन जो 20 से 25 हजार रैंक बढ़ गया है, इस चीज पे आप बिल्कुल एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? आप बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं है कि पेपर लीक भी हुआ है। हमको रीनीट चाहिए, क्योंकि ये स्कैम जो कुछ भी है हमारे लिए बहुत बुरा हुआ, ठीक है? तो हम इतने साल से कुछ तो भी हम प्रिपेयर करे और पेरेंट्स के ऊपर हम होम्स लगाए, वो सब कुछ पानी में गया ना, तो हम अभी हमको रीनीट चाहिए और ये हमको जस्टिस दिलाना है। तो देश भर में नीट परीक्षा धांधली के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। आज भी आम आदमी पार्टी ने देशव्यापी बंद का ऐलान किया है। एक दिन पहले पार्टी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, इसके साथ चेन्नई, हैदराबाद, राजकोट, पटना समेत कई शहरों में जो है वो आप देख सकते हैं छात्रों में गुस्सा जो है वो भरपूर है और नीट पर शहर शहर मानो लगता है संग्राम छाया हुआ है। छात्र जो है वो सड़कों पर उतरे हैं और री एग्जाम की जो है वो गुजारिश कर रहे हैं। लगातार वो सरकार से, सिस्टम से इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें वो एग्जाम फिर से करवाना है। हमारी एक ही मांग है कि नीट में जो घोटाला हुआ है उसकी तटस्थ तरह से तपास हो। किस प्रकार से आज विरोध किया गया? हमने रास्ता रोको किया है और पुतड़ा दहन का कार्यक्रम था, पर पुलिस ने वो पुतड़ा हमसे छीन लिया। हमारी एक ही मांग है कि ये नीट की एग्जाम रद्द हो और तो फिर से एग्जाम एनटीए द्वारा लिया जाए। हमारी एक ही मांग है कि नीट में जो घोटाला हुआ है उसकी तटस्थ तरह से तपास हो। किस प्रकार से आज विरोध किया गया? हमने रास्ता रोको किया है और पुतड़ा दहन का कार्यक्रम था, पर पुलिस ने वो पुतड़ा हमसे छीन लिया। तो देश भर के बच्चे नीट परीक्षा में कथित धांधली का सवाल उठा रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। पिछले 5 साल में 41 स्कैम हुए हैं नकल को लेकर के, और आपने सजा क्या दी? आपने सुनवाई की, एक सुनवाई की, 14 साल बाद सजा हुई, एक मर गया और बाकी जो है छूट छाट के गए। होना क्या चाहिए? आप ये देखिए, आज से 15 साल पहले क्यों नहीं होता था? पहले यूं नहीं होता था कि एक तो किसी के दुस्साहस नहीं, और तब जो नए नए कानून बने थे, गैंगस्टर एक्ट उत्तर प्रदेश का या मकोका, आप बताएं किसी के ऊपर भी मकोका लगा है, गैंगस्टर एक्ट लगा है, धारा 14(1) में चल अचल संपत्ति कुर्क की गई है। होना ये चाहिए, मैं बात बड़ी कड़ी कह रहा हूं, कि आप ऐसे कानून और इतनी धाराएं लगा दीजिए, चल अचल संपत्ति कुर्क कर दीजिए, उनके आर्थिक साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर दीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि उनका अंतिम संस्कार अब जेल की सलाख के पीछे ही होगा। जिस दिन आप निर्णय ले लेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में 30 दिन के अंदर सजा होनी चाहिए, 30 वर्किंग डे के अंदर, जो भी हम कर सकते हैं कि हम करेंगे नहीं, क्योंकि जो हजारों करोड़ का टर्नओवर है ये वो लो हैंगिंग फ्रूट्स है जिसको लपकने के लिए सब बड़े बेकरार हैं। मेरी बातें कड़वी हैं, लेकिन माफिया से अगर लड़ना है तो आपको दूसरे लेवल पे पुलिसिंग, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन करना होगा, जो कि अभी वो इच्छा शक्ति मुझे कम से कम दिखाई नहीं पड़ रही। आपके सामने 4 विकल्प हैं कि उसका जो लेसर ईविल है, उसको पकड़े, और आपने जो घोटाले किए हैं, अब मैं पुलिस अफसर के रूप में, पुलिस इन्वेस्टिगेटर के रूप में आपसे बात करूंगा। आपको रिजल्ट 14 तारीख को निकालना था, किस अधिकार से, किस स्वविवेक से आपने इसको 4 जून को निकाला? हर चीज का एग्जामिनेशन शेड्यूल होता है, इसका मतलब आपकी चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि 4 को पूरा देश लोकसभा रिजल्ट को देख रहा था, आप सोचा इसी अंधकार में हम भी जो है तैर के निकल जाएंगे। दूसरी चीज, आपने 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए, ये कोई पीटी का इम्तिहान था, ये श्रमदान का इम्तिहान था, ग्रेस मार्क्स वहां भी नहीं अब दिए जाते हैं,
नीट जहां एक एक नंबर पे 2000 बच्चा अटकता है, आपने रेवड़ी की तरह 1563 बच्चा, ये 67 बच्चा जो उसके फुल मार्क्स, और 67 बच्चे में 52 बच्चा वो है जो ग्रेस मार्क्स पाया, झज्जर में 6 बच्चा एक सेंटर से जो है फुल मार्क्स पा रहा है, सवाई माधोपुर में हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम, और इस तरीके का अंधेर, मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टिगेटर अगर मैं होता पहले दिन इनके ऊपर चार्जशीट लगा के त्रुटिविहीन जीरो एरर वाले इम्तिहान होते हैं, और हम लोगों ने भी कराए हैं। आप देखिए कितने एग्जांपल आपको चाहिए, जीमैट सैट वगैरह तमाम इम्तिहान है, और जहां कोई कड़ी आती है तो देर आर कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम होते हैं। ये नहीं कि गद्दी पे बैठ करके और अहंकार की यात्रा करता है और कहता है कि नहीं न मेरे समान कोई पुरुषार्थी और कुशाग्र था और न आगे कोई होगा, ये बिल्कुल गलत है। एक मिसाल मैं आपको दूंगा, ये बहुत बेसिक सवाल था जिसको लेके बड़ी चर्चा हुई थी, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ये सवाल था 2024 की किताब का, और इसका विकल्प दूसरा था एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, ये 2018 की एनसीईआरटी किताब था, ये कोई क्रांतिकारी रॉकेट साइंस का तो नहीं था। आपने दरअसल माइंड अप्लाई नहीं किया, ड्यू डिलीजेंस दिखाई नहीं, आपने जो स्क्रूटनी होनी चाहिए थी क्वेश्चन पेपर्स की वो आपने की नहीं, और अब उसका ठीकर अपने पाप का फोड़ रहे बच्चों के सर पे। एनसीईआरटी की किताब का सिलेबस प्रस्क्राइब करना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, पेपर सेट करने के बाद उसकी स्क्रूटनी इवैल्यूएशन री इवैल्यूएशन एक्सपर्ट से नहीं कराया, जाहिर आपने नहीं कराया क्योंकि ये अगर त्रुटि आई है तो ये त्रुटि आपने की है बच्चों ने नहीं की है, उसका ठीकरा बच्चों के सर पे ना फोड़े, बेहतर ये होगा कि दोबारा नीट कराए, क्योंकि हर पग पे आपको चाहिए कि न्याय मैक्सिमम कितना हो सकता है। मैं जानता हूं पैसा व्यय होगा, समय ज्यादा जाएगा।